ईस्ट वेस्ट मेट्रो के उस जगह पे हम लोग खड़े हैं जहाँ पे हावड़ा स्टेशन तैयार किया जा रहा है। ये उसी जगह है जहाँ से अगले कुछ सालों में ट्रेन छूटेगी और जाएगी पूरा रिवर गंगा के नीचे। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और लखनऊ से लेकर नागपुर तक मेट्रो ट्रेन का जाल आज हर बड़े शहर में फैल रहा है, लेकिन कोलकाता मेट्रो देश में इंजीनियरिंग के पटल पर एक नया अध्याय लिखने जा रही है। ये देश की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन बनेगी जो नदी के ऊपर से नहीं बल्कि नदी के नीचे से गुजरेगी। जी हाँ, चौंकिए मत, कोलकाता से हावड़ा शहर तक जाने वाली ईस्ट वेस्ट मेट्रो गंगा नदी के नीचे से होकर जाएगी और इसके लिए सुरंग भी बनकर करीब करीब तैयार हो चुकी है। मेरे पीछे जो सुरंग दिखाई दे रही है ये वही सुरंग है जो 200 मीटर आगे जाके रिवर गंगा के नीचे जा रही है और इसी सुरंग से अगले कुछ सालों में ट्रेन दौड़ेगी और पूरे वेस्ट बंगाल खाली नहीं पूरे देश में वो पहला ट्रेन होगा जो किसी रिवर से एक जगह से रिवर के नीचे से एक जगह से दूसरी तरफ के लिए जाएगी पैसेंजर को लेके। कोलकाता और हावड़ा के बीच 520 मीटर लंबी सुरंग तैयार की गई है। ये देश में पहला मौका है जब किसी भी नदी के नीचे मेट्रो के लिए सुरंग बनाई गई है। इस सुरंग से होकर ही मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। हालांकि इसके पहले दिल्ली में मेट्रो यमुना नदी से गुजरी है, लेकिन ये यमुना नदी के ऊपर से गुजरी है। भारत में ये पहला मौका है जब नदी के नीचे मेट्रो के लिए सुरंग बनाई गई है। हाईवे सेक्टर, मेट्रो सेक्टर और रेलवे सेक्टर में भी किसी ने ये अभी तक नहीं किया है। गंगा नदी के नीचे से मेट्रो को लेकर जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के इंजीनियरों ने इसे नामुमकिन को भी मुमकिन साबित कर दिखाया। जमीन स्तर से करीब 110 फीट से ज्यादा नीचे सुरंग बनाई गई है। यहां बनने वाला मेट्रो स्टेशन भी देश में सबसे ज्यादा गहराई पर बना मेट्रो स्टेशन होगा। और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है प्लेटफॉर्म एरिया जो ग्राउंड लेवल जो है उससे करीब करीब 32 मीटर नीचे है। यानी ये जो प्लेटफॉर्म है खाली वेस्ट बंगाल नहीं पूरे भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें से सबसे डीपेस्ट प्लेटफॉर्म है जो ग्राउंड लेवल से करीब 32 मीटर नीचे है। और जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं वो जगह है वही जगह जहाँ से ट्रेन छूटेगी। ये जगह जो है ये प्लेटफॉर्म लेवल से और 2 मीटर नीचे है, मतलब ग्राउंड लेवल से ये जगह करीब करीब 34 मीटर नीचे है जहाँ से ये रेल ट्रैक जो है वो लगेगी और उसके ऊपर से ट्रेन चलेगी। फिलहाल कोलकाता में मेट्रो गरिया स्टेशन से नवापाड़ा तक चल रही है जो दक्षिण कोलकाता को उत्तर कोलकाता के शहर को जोड़ती है, लेकिन ईस्ट वेस्ट मेट्रो के शुरू होने से हावड़ा और साल्ट लेक के बीच मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इन केस ऑफ सम इमरजेंसी सम ब्रॉडबैंड और आपातकाल के वक्त ये यात्री मोटरमैन से सीधे संपर्क कर सकते हैं और वो सीधे संपर्क कर सकते हैं ओसीसी, BSNL और ब्रॉडबैंड के नंबर भी डिब्बों के अंदर दिए गए हैं। आपातकाल के वक्त इन पर संपर्क किया जा सकता है और इनके साथ ही ये पहली मेट्रो है कोलकाता में और भारत में भी ये कुछ ही मेट्रो में है जिसमें पैसेंजर्स ट्रेन्स डोर हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर है। इस मेट्रो में कई तरह की सुविधाएं हैं। इस मेट्रो में इस बात की संभावना शून्य है कि कोई यात्री यहाँ आत्महत्या कर सके। गंगा नदी के नीचे बन रही सुरंग करीब करीब तैयार हो चुकी है। अब बस इंतजार उस दिन का है जब गंगा के पानी के नीचे से मेट्रो फर्राटे भरते हुए गुजरेगी और लोगों को एहसास तक नहीं होगा कि वो नदी के नीचे चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।